सो एस 220 पे एक लोचा हो गया है इंजन में, बहुत खतरनाक तरह का साउंड आ रहा है। मुझे लगता है इसका उस साइड का चेंबर कुछ ब्रेक हो गया है, अचानक से ही हुआ। मतलब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इंजन अभी मैंने खोला नहीं है। मैंने चलो कि एक वीडियो बनाया था। मतलब इसका जो आई थिंक इसका जो ये वाला मैगनेट कवर है, इसमें अंदर कुछ ब्रेक हुआ है, 110% ब्रेक हुआ है। मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, ये मैंने सेल्फ दबाया, इधर से साउंड सुन लो। ये देखो, कुछ कुछ तो ब्रेक हुआ है भाई। ये देखो, सेल्फ नहीं ले रहा है। ओ बाप रे बाप रे बाप, सेल्फ नहीं, सेल्फ ऑफ करते हैं। अभी इसे कवर ओपन करते हैं। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ तो ब्रेक हो गया होगा। हो सकता है इसका वन वे वायरिंग गया होगा, क्योंकि वो लूज था। अभी देखते हैं, चाबी ऑफ है भाई, कुछ तो गया है। इधर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है भाई। ओके, ये वाला पेनियम निकाल लेते हैं, देखते हैं यार पेनियम वगैरह। ओके, मैनेट ओपन करना पड़ेगा, और मुझे लगता है इसका जो ये वाला, ओहो, पेनियम वगैरह तो सही है। मुझे नहीं पता इसका पेनियम तांता वगैरह सही है। इसके अंदर आई थिंक ये, इसके अंदर जो ये रहता है ना, वो वन वे वियरिंग, वो आई थिंक गया होगा। तो फटाफट मैगनेट ओपन करते हैं, गले मैगनेट, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैंने इसका मैगनेट निकाल दिया है, मतलब बोल्ट खोल दिया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसका जो वन वे वियरिंग है वो टूट चुका है। ये हमने 14 नंबर का बोल्ट निकाल दिया, अब मैगनेट को निकालते हैं। ऐसे बाहर नहीं निकलेगा मैगनेट, इसके लिए लगता है मैगनेट पुलर पल्सर का। और ये हमारा मैग्नेट बाहर निकल गया, देखते हैं क्या। ओहो, सो ये इसका मैग्नेट का चाबी भी बाहर निकल गया। चाबी में देखो तो चाबी में कोई दिक्कत नहीं, और ये वाला रोलर ख़राब हो चुका है ऑब्वियसली। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसका जो ये रोलर बियरिंग है, इसको ये एक्चुअली बाहर आ चुका था, इसको चेंज करने से आई थिंक हो जाएगा। तो बात करें इस प्लेट की, मुझे लग रहा था कि ये इसका गरारे वगैरह टूट गया। अगर ये टूट गया ना, तो भाई ये लोकल मिलेगा, ये ऑरिजिनल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मतलब 1.5-2 हज़ार रुपये से खर्चा है, ऊपर ही खर्चा है, ठीक है। तो ये ऑरिजिनल है, टूटा नहीं है। ये वाला टीथ देख लेंगे, ये टीथ सही है, ऑरिजिनल है, ये टीथ सही है। इसका बियरिंग भी ठीक है, बच गया भाई। सो मैं यूज़ करो वैरो कंपनी का, 100% रिकमेंडेड रही है कि हाई आप ओरिजिनल ही यूज़ करें। इसका MRP देख लो, 89.90 रुपये, बट मुझे मिला नहीं ओरिजिनल में ऑर्डर दिया हूँ, इसलिए मैं आपको वैरो कंपनी का ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको करना है तो ओरिजिनल ही यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको लास्टली वैरो कंपनी का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस एकदम 100% सेम होने वाला है, इस प्रोडक्ट वगैरह भी सब कुछ सेम होने वाला है। जस्ट कंपनी अलग है, एक है वैरो और एक है ओरिजिनल। वो क्यों टूटा है, क्योंकि देखो इसका जो स्प्रिंग है वो लूज़ हो चुका है, और सेकंड इसका जो ये वाला स्प्रिंग है ये टूट चुका है हल्का सा। इस हिसाब से इसका जो रोलर है वो बाहर निकल चुका है, ये देखो टूट चुका है, ये बड़ा स्प्रिंग, छोटा स्प्रिंग, ठीक है, ये ओल्ड वाला। हालांकि इसका रोलर वगैरह बिल्कुल सही है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और ये है पल्सर 150 का, 220 का नहीं है, बट 150 का ही लगेगा इसमें, मैं लगा दूंगा। और इसमें एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि पल्सर 220 में ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, ये नहीं आता है, ये पल्सर 150 का। ये देखो पल्सर 150, उसमें सिर्फ ये वाला जो बुश है, ये प्लास्टिक का बुश, यही आपको लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप 220 का लगाओगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये अगर लगाओगे तो इसमें ज़्यादा दिन तक चलता है ये वाला बुश, छोटा छोटा। तो इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये पल्सर 220 का पूरा वन है, तो इसको हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंपनी से ही इसमें प्लास्टिक आता है, ये देखो, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसमें ये वाला वाशर भी हमको नहीं लगेगा, और ये वाला बोल्ट भी हमको नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो वन वे है, इसमें देखो एलिंकी बोल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप खुद से बाइक में कर रहे हो तो देख लो ध्यान से, आप
बाइक आप इजीली कर पाओगे। तो ये छोटा ये जो पिन है इसको हमको नहीं चाहिए। तो हमको ये पांच रोलर, पांच स्प्रिंग और पांच ये प्लास्टिक का बूस है वो चाहिए। तो लगाने का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। देखो सबसे पहले आपको एक स्प्रिंग लेना है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इसमें ये लगाइए, ठीक है। और किसी एक में करके दिखाता हूँ, इसके इस ए वाला होल में फंसाना है आपको, और इसके बीच में हमको जी वाला रोलर है वो लगाना है। तो फिटिंग देख लो, जिस तरीके से स्प्रिंग है इसके बीच में प्लास्टिक का वाशर, उसके बाद हमको ये वाला रोलर लगाना है। हम नॉर्मल क्या करते हैं, इसमें स्प्रिंग लगाते हैं और ये वाला प्लास्टिक का बूस नहीं लगाते। मैं आपको क्लोज से दिखा रहा हूँ, प्लास्टिक का बूस हम नहीं लगाते, ये वाला रोलर लगाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ जो कि गलत तरीका है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये हमने स्प्रिंग लगा दिया और उसके बाद ही हमने रोलर लगा देते हैं। ये हमने स्प्रिंग को प्रेस किया हल्का सा, ये वाला रोलर हम लगा देते हैं। तो हम इस तरीके से लगा देते हैं, ये देखो स्प्रिंग है उसके बाद रोलर है, ये गलत तरीका है। स्प्रिंग के बाद आपको एक प्लास्टिक का वाशर देना है, उसके बाद तो मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये गलत तरीका है। को स्प्रिंग को हल्का सा प्रेस करना है, उसके बाद इसमें इसके अंदर एक ये वाला प्लास्टिक का बूस लगाना है, और फिर आपको ये लगाना है और इसके अंदर एक बूस लगाना है, और हमको ये प्रेस कर देना है, और आपको देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो काम कर रहा है, स्प्रिंग भी सही है, तो मतलब ये सही है। तो हमने दोनों फिटिंग करके मैं आपको दिखा दिया है, इस तरीके से एक दो तीन, बाकी तीन आपको फिटिंग करना है। जो वाला स्प्रिंग देख रहे हैं ये अंदर की तरफ जाएगा, बट आपको प्रेस करके बाहर की तरफ आना है। देखो ये देखो अंदर की तरफ चला गया, ऐसे नहीं करना आपको, आपको हल्का सा प्रेस करना है और इसको बाहर की तरफ इसको प्रेस कर दीजिए। इसको मतलब ये देखिए इस जगह पर रहेगा, ठीक है, ये अंदर की तरफ चला जाता है। तो सभी में आपको देख सकते हैं बिल्कुल सेम हो चुका है, ये देखो ये देखो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, और इसके रोलर में हल्का सा ग्रीसिंग करना है। फिटिंग का प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो वॉल्व है ये वाला सेट, अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसका प्राइस रहता है लगभग 700 रुपये के करीब। तो सभी इसका अभी व्हील लगाते हैं, ये वाला व्हील इसके कहते हैं वन वे, आपका गियर ये एक ही तरफ से लगेगा। देखो तो ऐसे आपको लगाना है, ये देखो इस तरह से घुमा के हमको लगाना पड़ेगा। ये लग गया, अब इस साइड देखो घूम रहा है बिल्कुल इजीली, पर जैसे मैं इस साइड घुमाऊंगा ये पूरा मैग्नेट को लेके घूमेगा, देखो पूरा मैग्नेट को लेके घूमेगा, और इस साइड घुमाऊंगा तो स्मूथली घूम रहा है। सो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका, जो ये वाला लॉक है इसमें, ओके इससे नीचे साइड चला गया, इसको लॉक लगा दीजिए। उसके बाद इसको पकड़ते हुए इसको लगाना है, ये वाला जो लॉक देख रहे हैं ये वाला कार्टर, इसको लगाना है। ये हमारा लग गया परफेक्ट तरीके से, ओके। और इसके नीचे एक लॉक पत्ती आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले ये वाला टीथ है इसको लगा देते हैं। वाला बूसिंग देख सकते हैं, इसका प्लास्टिक का वाशर, और ये हमारा बूसिंग भी लग गया, और इसके साथ ये मोटर फिटिंग होता है और ये आपका इसको घुमाता है, और सेल्फ हमारा इस तरह से घूमता है। देखो ये वाला चीज़ नहीं घूम रहा है, बट ऐसे जैसे उल्टा घुमाएंगे तो ये घूमेगा, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद इसका जो ये लॉक नट है ये लगाएंगे। ये एक्चुअली
14 नंबर का लगता रहता है। और इस प्लेट को होल्ड करने के लिए एक पत्ती आता है, इसको आपको भूलना भी मतलब गलती से भूलना नहीं है, तो कुछ इस तरीके से लगता है। ये वाला घिसने वाला हिस्सा, घिसा हुआ हिस्सा वो अंदर की तरफ रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और नेक्स्ट इसका मैगनेट कवर है, इसमें हमको लगा दिया, उसका टच कर दिया है, और इस बोल्ट को 14 नंबर के बोल्ट को टाइट करना है। यह मैगनेट होल्डर अगर कुछ चाहिए तो मेरे वेबसाइट से ले सकते हैं, इधर आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक इंस्टाग्राम का। तो इसको फुल टाइट करने के बाद आप एक चेक कर लीजिए कि यहाँ पे पिन टू पिन मैच होना चाहिए, और ये वाला हिस्सा आपको ये वाला सेल्फ का मोटर देख रहे हैं इससे अटैच होना चाहिए, देख सकते हैं अटैच हो गया, ये बिल्कुल टाइट है, ये टाइट है। और जो लॉक मैं बात कर रहा था, ये वाला लॉक आपका देखो इसमें मैंने लगाया, देख सकते हैं, जो कि इस होल को पत्ती को होल्ड किया हुआ है। ये वाला लॉक आपको लगाना पड़ेगा 8 नंबर का, बाकी सब कुछ प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। अब ये वाला कवर लगाते हैं और बाइक को मैं स्टार्ट करके देखता हूँ कि प्रॉपर तरीके से घूम रहा है कि नहीं। एंड गाइस फाइनली इसका जो प्रॉब्लम था, जो कि डेंजरस प्रॉब्लम था मैं कहूँगा, वो परफेक्ट से सॉल्व हो चुका है। इसको मैंने ट्यूनिंग भी कर दिया है। अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, सेल्फ से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, मैंने सेल्फ दबाया, ये देखो अब सेल्फ में दबाऊंगा। इधर से ना मतलब आफ्टर इंजन स्टार्ट होने के बाद भी एक सेल्फ से सूं करके साउंड आ रहा था, अभी आई थिंक नहीं आएगा। देखो सेल्फ दबा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, कोई भी इसमें साउंड वगैरह है नहीं, बाइक बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि परफॉर्मेंस अपग्रेड को वीडियो बनाऊं इसमें, या फिर आप जनरल मेंटेनेंस बाइक को कैसे करते हैं, कैसे बाइक को टिप टॉप वगैरह मतलब स्मूथ रखते हैं, तो ऊपर आप डेफिनेटली वीडियो बनाओ, तो बड़ा वीडियो बहुत सारा वीडियो डेफिनेटली आएगा, इस वीडियो पे ही पेंट करते हैं। अगर आपको इसका मैगनेट रिलेटेड प्रॉब्लम था, मैगनेट 1 में किसे कहते हैं, और इसका ये वाला गोली छर्रा वगैरह खराब हो जाता तो कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं इजीली घर पर ही, तो इसके ऊपर वीडियो था, ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।